हाय एवरीवन, एक नए वीडियो पे स्वागत है फ्रेंड्स। ये पल्सर NS 200 बाइक है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑटोमेटिक प्लग में करंट आउट हो गया, तो हम लोग जाहिर सी क्या समझेंगे कि करंट आउट हो गया, CDI कॉयल ये सब चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये CDI का प्रॉब्लम है, मैं बता दे रहा हूँ CDI का प्रॉब्लम है। तो आखिर में CDI को कैसे चेक करें, है ना? तो CDI चेक करने के लिए आपको कोई भी बाइक से CDI लेकर चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा कि 3-4 चीज़ चेक करके इस CDI को फाइंड आउट करना है कि ये पूरा ख़राब है, ठीक है फ्रेंड्स? तो वीडियो पे बने रहिए। जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो दूसरे तक वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है फ्रेंड्स? और जो जानते हो फ्रेंड वो स्किप करें इस वीडियो को, आपके लिए नहीं है। जो नया भाई है वो लोग के लिए आसान होगा थोड़ा इस वीडियो को कि CDI को कैसे चेक करें कि CDI ही ख़राब है, इसमें करंट ही नहीं आ रहा गाड़ी को, क्योंकि टेक्निशियन ऑन करने के बाद सारा चीज़ वर्क कर रहा लेकिन करंट ही नहीं आ रहा, ठीक है फ्रेंड्स? तो वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये टंकी को ओपन कर लेना होगा, तब आपको सारा चीज़ वायर वगैरह टेक्निशियन कॉइल भी समझ में आएगा, यहाँ से भी चेक करना है। उसके बाद फाइंड आउट हो जाएगा कि ये CDI ख़राब है या पिकअप कॉइल ख़राब है या और अदर कुछ क्या ख़राब है, ठीक है? तो चलिए मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो को देखते रहिए ताकि सारा चीज़ आपको समझ में आए कि NS का CDI शॉर्ट होने के बाद कैसे इसको चेक करें, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस CDI को खोल लेना है, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ रहता है उल्टा साइड में, इसको खोल लेना है। ये पुराना वाला CDI है, देख पा रहे, ठीक है? और इस कपलर में ही चेक करना है सारा चीज़, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि CDI खराब है क्या खराब है। और नया CDI भी लगा के दिखाएंगे, कितने दाम है CDI का वो भी बताएंगे, ठीक है? एक आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगा, एक मल्टीमीटर आप लोग के पास होगा ज़रूर, ठीक है फ्रेंड्स? इसके बाद इसको पीप में लगा लेना है, सबसे पहले पीप में लगाना है। पीप में लगाने के बाद 3-4 वायर को चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये पहले वायरिंग का डायग्राम समझ लीजिए। ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक में रेड, ये इग्निशन कॉइल में चला गया, एक ब्लैक फुली ब्लैक होगा वो दूसरे वाला इग्निशन कॉइल में चला गया। तो पहले सबसे पहले पिकअप कॉइल को चेक करना है, पिकअप कॉइल का वायर है वाइट में रेड, ये वाला, इसको पीप में मल्टीमीटर को सेट करके रखना है। उसके बाद ये अपना रीडिंग बताएगा पिकअप कॉइल का, तो इसको लाल में लगाना है, टर्बिनल को ऐसे लगाना है। उसके बाद इसको कहीं भी अर्थिंग दे दीजिए, रीडिंग आप देख पा रहे हैं मीटर पे 200 से ऊपर बता रहा, तो इसका मतलब पिकअप कॉइल मेरा ठीक है। और एक जो जिसमें 12 वोल्ट आता है इसको चेक कर लेना, रेड में थोड़ा सा पिंक कलर का है, इसमें 12 वोल्ट करंट आ रहा कि नहीं किल स्विच ऑन करने के बाद। इसको 20 पे, मल्टीमीटर को 20 पे सेटिंग करना है, ऐसे 20 पे सेटिंग करना है। उसके बाद इसको चेक करना है, ऐसे रेड वाला एक घुसा लेना है, इग्निशन को ऑन करके रखना है, ठीक है? किल स्विच को ऑन करके रखना है, और यहाँ पे इग्निशन भी ऑन होना चाहिए या किल स्विच भी ऑन होना चाहिए, तब जाके वायर चेक होगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये जो रेड में थोड़ा सा पिंक कलर का है, इसमें 12 वोल्ट किल स्विच देने के बाद आ रहा कि नहीं, इसमें कोई नया आर्थिंग दे देना है। उसके बाद 12 वोल्ट देखिए मीटर में बता रहा है, एक बार किल स्विच को ऑन कर लेते हैं, किल स्विच देखिए ऑफ कर रहे हैं, देखिए 0 हो गया। उसके बाद ऑन किए, ये रीडिंग बता रहना है, तो इसमें 12 वोल्ट भी आ रहा, सप्लाई मेरा सब सारा चीज़ ये वायर ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स? एक बार इग्निशन कॉइल में जो ब्लैक कलर का, जो ब्लैक रेड में तार गया है, उसको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे एक कपलर लगाना है और पीप में सेटिंग करना है मल्टीमीटर को, मल्टीमीटर को पीप में सेटिंग करना है और ब्लैक में रेड, और इग्निशन कॉइल जहाँ पे है तो ब्रेंच देख पा रहे, ये ब्लैक में रेड है, यहाँ पे एक नेगेटिव एक टर्मिनल यहाँ पे सटाना है और एक टर्मिनल यहाँ पे सटाना है, सुन पा रहे पीप बज रहा, मतलब इसका गाड़ी का वायर ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स?
तो अब पुराना वाला CDI मैं लगा के देखता हूँ, इसका वायर तो सारा ठीक है। ठीक है, अब एग्जिशन को ऑन ही है। एक बार सेल्फ मार के करंट देखते हैं आता कि नहीं। आवाज़ सुन पा रहे थे, करंट इसमें वर्क नहीं कर रहा। नया CDI मैं लेके आया हूँ शोरूम से, इसका पार्ट नंबर देख लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये नया रहा, दाम ज़्यादा नहीं है, 1400 के आसपास में है। तो इसको खोल के मैं पहले इसको लगाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं करंट आ रहा कि नहीं। एग्निशन को ऑफ करके रखना है, उसके बाद इसको लगाना है। ठीक है, फिर से एग्निशन ऑन करना है, उसके बाद करंट को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी तो मेरा स्टार्ट हो जा रहा, तो फ्रेंड्स देख पाए गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया। तो CDI को कैसे फाइंड आउट करना है ये तो वीडियो में देख के आप सीख पाए होंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह इस CDI को फाइंड आउट करना है कि CDI ख़राब है कि नहीं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि दूसरे गाड़ी से CDI खोल के चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो पर मिलते हैं।